वाइब्रेशन में और प्रैक्टिकल इंद्रियों का जो हलन चलन है, कार्य व्यवहार है, उसमें अंतर नहीं है? अगर अंतर का पता नहीं चल रहा है तो हम ये सोचें कि 70-72 साल हो गए इस ईश्वरीय ज्ञान को, अभी मन की एकाग्रता न आने के कारण वाइब्रेशन की शक्ति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। बाबा ने तो इशारा दे दिया, अव्यक्त वाणी में भी बता दिया, कि जो देखे, जो सुने, किसको देखे और किसको किससे सुने, उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया, ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, सिखों मुसलमानों क्रिश्चियंस का नहीं, जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले, चाहे क्रिश्चियन देखे, चाहे मुसलमान देखे, चाहे सिख देखे, उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया। देखने वाला तो आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, लेकिन जिसके द्वारा वो सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्ष होगा, उसके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही होगी कि देखने मात्र से ही किसी को अनुभव होने लगे कि हमारा बाप है? जिसके द्वारा ये साक्षात्कार हो रहा है, हो रहा होगा, उसमें ऐसी कौन सी विशेष शक्ति होगी जिसके आधार पर जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा, वो अनुभव करेगा? कौन सी शक्ति होगी? जैसे नेहरू जी के ढेर विरोधी थे, लेकिन मैं नेहरू जी जब बड़ी सभा में सामने आ जाते थे तो एक भी विरोधी नहीं रहता था, सब उनके अनुकूल हो जाते थे, कभी भी कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला कि नेहरू जी के सामने आकर किसी ने विरोध किया हो। दूसरा मिसाल, विवेकानंद विदेशों में गए, उन्होंने जब चैलेंज दिया तो ऐसा कर्तव्य करके दिखाया कि सारी की सारी सभा उनके पीछे भागने लगी। ये काय की शक्ति थी? ये वाइब्रेशन की शक्ति है। अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भागदौड़ करना सीखा है कर्म इंद्रियों से, वाचा से वाणी चलाई है, वाचा पावरफुल हुई है, कर्म इंद्रियों की भागदौड़ से प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन दुनिया की कितनी परसेंटेज आत्माओं को संदेश मिला है? है? विदेशों में जाके देखें कितने परसेंटेज को संदेश मिला होगा।
फिर तो ये 500-700 करोड़ की दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? भागदौड़ से मिलेगा, एक एक को बैठ करके वाचा सुनाएंगे, मजमा इकट्ठा करेंगे तो संदेश मिलेगा। ये वाइब्रेशन की पावर काम करेगी। सब कोई नहीं कर सकते, जो आत्मा बनेंगे वो तो कर सकते हैं। ये लास्ट की सेवा है ना, वाइब्रेशन की सेवा। लास्ट सो फास्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो वो लास्ट वाले फर्स्ट वाले कोई है या नहीं है? जो दुनिया में फर्स्ट नंबर में आवेंगे, 16 कला संपूर्ण बनकर के आवेंगे, ऐसे हैं या नहीं है कोई? ऐसे आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले हैं जो वाइब्रेशन की शक्ति से ही सारी दुनिया में संदेश फैला देंगे। जब ये पार्ट चलेगा कि जो देखे जो सुने वो कहे मेरा बाप आ गया, तो दुनियावी जो धर्म सत्ताएं उस वक्त रहेगी वो विरोध करेंगी या फिर? क्यों नहीं विरोध करेंगी? जिनके हाथ से राजा ही जाएगी, मरता क्या न करता। सारी दुनिया एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ हो जावेंगे, तब तो पता चलेगा कि भगवान के बच्चे कौन है और भगवान सर्वशक्तिवान कौन है। ऐसे ही थोड़े ही दुनिया मान लेगी। अभी फरुखाबाद में क्या हुआ सो देखा सुना है? नहीं सुना? क्या सुना? एक महीना 40 दिन तक लगातार धुआंधार जितने भी उस एरिया के अखबार थे सब में विरोध ही विरोध आता रहा, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से। टीवी में विरोध, इंटरनेट में विरोध, रेडियो में विरोध, और उस विरोध आवाज से प्रभावित होकर के जितने भी स्थानीय सामाजिक संस्थाएं थी वो सब प्रभावित हो गई। किसी दिन कोई सामाजिक संस्था किसी चौराहे पर पुतला बनाती है और जलाती है और लोग इकट्ठे होते हैं, दूसरे दिन दूसरी सामाजिक संस्था दूसरे चौराहे पर इकट्ठी होती है, पुतला जलाती है और तालियां बजाते हैं। ऐसे कम से कम 25 पुतले जलाए गए होंगे 25 स्थानों पर। रिजल्ट क्या हुआ? डकौए के 3 पात, कोई रिजल्ट नहीं। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं सरकारी तबके के बड़े बड़े अधिकारी, कुछ नहीं कर सके। इस संबंध में बाबा ने क्या बोला है?
बाबा ने बोला यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। ये धर्म युद्ध तीर तरवारों से लड़ेंगे या कोर्ट कचहरी से लड़ेंगे है या सच्चाई के वाइब्रेशन से लड़ेंगे? सच्चाई के वाइब्रेशन में इतनी ताकत होती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी ऐसे नहीं है कि सेवा करनी नहीं है, मनसा की एकाग्रता की पावर नहीं आई है तो वाचा से भी सेवा करना बंद कर दें या कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की भी जो सेवा है वो करना बंद कर दें। बाबा ने बोला है कि याद की दवाई से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो क्या हॉस्पिटल में जाना बंद कर देते हैं, दवाई लेना बंद करते हैं? है? डॉक्टरों के पास जाना बंद करते हैं? नहीं करते। और बाबा ये वाइब्रेशन कब से पहले का है? विजय माला आने के बाद पहले का कि रुद्रमाला के द्वारा ही पहले? नहीं, रुद्रमाला की नाक रगड़ने से फैलेगा। अरे रुद्रमाला तुम्हें क्या लग रही है, नाक रगड़ रही है कि नहीं रगड़ रही है? लेकिन जो लेकिन बाद में करो, हमारी बात का जवाब दो कि रुद्रमाला धरणी में नाक रगड़ रही है कि नहीं? अरे न हाँ न ना, अरे बोलो ना। हम तो रुद्र को देखते हैं ना। रुद्र को देखते हो? और रुद्र क्या कर रहा है? रुद्र को विजयमाला का आवाहन नहीं करना पड़ेगा? अकेला चना भाड़ फोड़ेगा? अकेले से नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी? हो जाएगी फिर? तो बाबा ये जो बात है कि अकेले पड़े थे सुनी सुनी राह में, हाँ, तो ये किसके लिए था? कौन अकेला? तो आके किसी ने जगाया कि नहीं जगाया? पत्थर को पारस बुद्धि बनाया कि नहीं बनाया? गीत तो याद रह गया बम्बई का। फिर भी विजय माला का आह्वान करो। हाँ? फिर भी विजय माला का आह्वान? अरे अकेले पड़े थे तो कब तक पड़े रहे ये भी तो बताया गीत में। बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, कब तक पड़े थे? आकर के किसी ने जगाया कि नहीं जगाया? तो जगाने वाला जगा रहा है कुंभकर्ण नींद में अमृत वेले सोए हुए है, ये भी समझते हैं कि बाबा हमको जगाता है, फिर भी सो जाते? तो टाइम तो लगेगा ना। और है जो चारों भुजाओं को चलाता है वो बेहद का विष्णु है। अरे भुजाएं जड़ होती है या भुजाएं स्वयं चैतन्य है? भुजाएं तो जड़ होती है, चलाने वाला कोई होता है या नहीं? आत्मा चलाती है कि नहीं चलाती है? जो आत्मा चलाती है वो ही बेहद की है। मूर्ति के लिए बोला है, जो एकोरेट त्रिमूर्ति है ये तिरुपति में जो यादगार बना है, इसको कह सकते हैं? तिरुपति में जो यादगार बना है इसको कह सकते हैं? क्या यादगार है? वो माता है और हैं? वो माता और विष्णु का जो त्रिमूर्ति कह सकते हैं? पद्मावती श्री देवी और स्वयं भगवान, तो तीन मूर्तियों का रिजल्ट नहीं निकाल दिया? जो पहला मेला हुआ था
दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में उस समय अव्यक्त बाप दादा ने बोला था कि इस मेले की स्थूल प्रदर्शनी का इनाम दीदी दादियां देंगी और चैतन्य प्रदर्शनी का इनाम बाप दादा देंगे। अभी नहीं बतावेंगे, टाइम पर प्रत्यक्ष होगा। 3 नंबर प्रत्यक्ष होंगे। अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, तीसरा नंबर। तो कभी रिजल्ट दिया या नहीं दिया? अरे अव्यक्त वाणी में भी रिजल्ट दिया या नहीं दिया? क्या रिजल्ट दिया? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये 3 नंबर प्रत्यक्ष हुए। बाप कौन है? बाप का नाम आगे क्यों नहीं रखा? ब्रह्मा का नाम आगे क्यों दे दिया? हैं? नहीं, माताओं को बाप आगे रखते हैं। माताओं में कोई माता है जो ब्रह्मा सो विष्णु बनकर के प्रत्यक्ष होती है पहले नंबर में? वो वैष्णवी शक्ति है, वो भी ब्रह्मा है। ऐसे नहीं कि जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, तो तन के द्वारा कोई एक्ट होती है या बोलते हैं तब ही ब्रह्मा होता है। बोलने से ही ब्रह्मा होता है या आचरण से भी ब्रह्मा होता है? हैं? दुनिया बोल बोल को नहीं मानती है, प्रैक्टिकल आचरण को सारी दुनिया मानती है। तो उसे कहा ब्रह्मा सो विष्णु, फिर बाद में नाम आता है बाप का, फिर तीसरा नंबर जगदम्बा। तो ये तीनों पार्ट प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? अरे ये 3 मूर्तियां जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली हैं, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होने वाली हैं, जिनकी यादगार में आज की गवर्नमेंट भी 3 कपड़े का झंडा बुलंद करती है, गली गली में जाके गाते हैं। क्या गाते हैं? विश्व विजय करके दिखलावे। तो क्या कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है या कपड़ा शरीर को कहा जाता है? जरूर कोई 3 शरीरधारी हैं जिन्होंने स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक होकर के विश्व में विजय प्राप्त की थी। उन 3 मूर्तियों को प्रत्यक्ष करना है। सबके दिलों और दिमाग में बैठाना है कि वो 3 मूर्तियां कौन है प्रैक्टिकल में कार्य करने वाले। ये कोर्स का फोर्स भरना है, ये झंडा बुलंद करना है। सबके शरीर रूपी घर में, दिलो दिमाग में ये झंडा बुलंद हो जाए 3 मूर्तियों का। बाकी ईंटों के घर पर चाहे जितने झंडे लहरा दो, अभी भी लहरा रहे हैं, एडवांस वाले भी लहरा रहे हैं, बेसिक वाले भी लहरा रहे हैं। और तीनों मूर्तियां कब प्रत्येक हुई?
कब प्रत्यक्ष हुई है? ठीक है, तीनों मूर्तियाँ जो प्रत्यक्ष हुई है वो 83 में गए या 76 में गए? 76 में तीन मूर्तियों की बात कही थी या सिर्फ लक्ष्मी नारायण की बात कही थी? लक्ष्मी नारायण की बात कही थी, वो तो नई दुनिया का संपन्न रूप है। वो संपन्न रूप 76 में मनसा के द्वारा दृढ़ संकल्प वाला हो जाता है। यही लक्ष्मी नारायण के प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है, जिसकी घोषणा सन 66 में की गई थी। फिर लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। और तीसरी मूर्ति सही रूप से तीसरी मूर्ति का स्थान पक्का हुआ 83 में कहेंगे? ये 83 में कहेंगे या कब कहेंगे? ये भी नंबर बार बुद्धि में बैठता है कि एक साथ सबकी बुद्धि में बैठ जाता है? वो भी नंबर बार बैठता है। रिजल्ट निकलता है तो बहुतों की बुद्धि में निश्चय बैठ जाता है। और बाप की बधाई दुनिया में जाने के लिए क्या है? बाप की बधाई दुनिया में जाने के लिए क्या करना, क्या करना चाहिए? बाप की बनाई हुई जो दुनिया है उसमें अव्वल नंबर कौन प्रत्यक्ष होते हैं? अरे अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण ही होते हैं उस दुनिया में, और कोई नहीं होते हैं। हाँ, तो उन अष्टदेवों ने क्या किया? क्या किया जो प्रैक्टिकल रूप में देखने में आता है? जो उन्होंने किया वो हम भी करें? क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? हाँ, तन की भी परवाह नहीं की कि खिचड़ी खाने से तो तन का क्या हाल होगा। धन की भी परवाह नहीं की, लौकिक परिवार वालों का तो साथ छूट गया। अब क्या होगा? समय भी कहां लगा दिया सारा, जब से ज्ञान में आए हैं कहां लगा दिया? सिवाय ईश्वरीय सेवा के और दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। मन में एक बार भी संकल्प नहीं आया होगा कि बाबा और बाबा के कार्य को छोड़ करके हम लौकिक दुनिया में जावे। सारा समय कहां लगाया है? ईश्वरीय सेवा में लगाया। जो भी संबंधी थे उन संबंधियों की सारी ताकत कहां लगा दी?
हैं? अपने कल्याण में लगाई, उन संबंधियों से अपने तन के पोषण के लिए कपड़ा लिया, धन ले लिया, या ईश्वरीय सेवा में लगाया? ईश्वरीय सेवा में लगाया। न तन की परवाह, न धन की परवाह, एक पैसा अपनी जेब में नहीं रखा। नहीं तो जो सरेंडर होते हैं वो कुछ न कुछ पैसे अपने पास छुपा के रखते हैं। बहुत हैं ऐसे जिनको बड़ी चिंता लगी रहती है कि कहीं ये आश्रम उजड़ गया, उखड़ गया, टूट गया तो हम अपने घर तो भाग जाएंगे। इतना किराया तो अपने पास रखें। चिंता रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। तन से भी अर्पण, धन से भी अर्पण, मन से भी अर्पण, समय, संपर्क और संबंधियों की ताकत से भी अर्पण। प्रैक्टिकल प्रूफ होगा और माया भी परीक्षा लेती है। तब अष्टदेवों की लिस्ट में आते हैं। तो बाप की बनाई हुई दुनिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप की बनाई हुई दुनिया है काशी नगरी। काशी नगरी में जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? है काशी के लिए भक्ति मार्ग में भी प्रसिद्ध है। कोई बात प्रसिद्ध है? है जो काशी में मरेंगे वो स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। यहाँ मर के जाना है कि वहाँ जाके मरना है? मरना है कि वहाँ जाके मरना है? मरना देहभान से है तो देहभान यहाँ के लोगों में है, इस दुनिया में है या वहाँ है? वहाँ भी बाबा ने बोला ठोके पड़ेंगे। हैं? वहाँ भी ठोके पड़ेंगे बोले। कहाँ ठोके पड़ेंगे? नई दुनिया में भी बाबा बोले। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है या पड़ गया है? पड़ रहा है। फाउंडेशन पड़ रहा है। जब फाउंडेशन पड़ता है तो क्या किया जाता है? हैं? दचोके लगते हैं कि नहीं? और कोई पत्थर होते हैं जो छिटक के भाग जाते हैं, कोई फिर टूटने की परवाह नहीं करते। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। और बाबा कौन आपको पांडव का बड़ा भाई कहा जाता है? बराबरी बराबरी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है कौन? कर्ण। कर्ण दोनों को सपोर्ट करता है। है कर्ण है कौन? कर्ण का पार्ट किसका है? कर्ण माने क्या होता है? है कर्ण माने क्या? अरे बोलो, कर्ण माने क्या? कान। हाँ, तो ज्ञान मार्ग में ब्राह्मणों की दुनिया में कान से सबसे जास्ती काम किसने किया? सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं। तो सुनने में और सुनाने में अब्बल नंबर कौन गया?
है ब्रह्मा बाबा। तो कानों का कोई आभूषण मिलता है? है ये कानों का आभूषण बाबा ने दिया है, कुंडल, मीठा बोलो, कम बोलो और धीमा बोलो, ये बाबा के आभूषण मिले कि नहीं मिले उनको? मीठे बोलते किधर है? मीठे बोलते नहीं ना ब्रह्मा बाबा, मीठा नहीं बोलते थे ब्रह्मा बाबा? मिलते उनके चेले चपाटे। चेले चपाटों की बात हो रही है, कर्ण की बात हो रही है? जिसकी बात हो रही है वो बात करो। तो कर्ण ये कौरवों का पक्षधर था, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कौओं की तरह कांव कांव करने वाले हैं, कहते हैं हम पक्के सन्यासी हैं, हमने विकारों को छोड़ दिया है, वो कांव कांव करने वाले, धर्मशालाएं बना करके बैठने वाले, वो कौए कांव कांव करके दूसरों को भी बुलाते हैं, आओ तुम भी ब्रह्मा कुमार बन जाओ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं, क्या बन जाओ? ब्रह्मा कुमार बन जाओ, आओ तुम भी खाओ हम भी खाएं। वो किसकी औलाद हैं? हद के गांधी की औलाद हैं या बेहद के गांधी की औलाद हैं? है बेहद के गंदे की औलाद हैं। गंदा काम ही करते हैं, इसलिए शास्त्रों में और मुरलियों में भी बोला है, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना। तो प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा कुमार अपन को कहलाते हैं, प्रजापिता नाम नहीं देते हैं, जानते ही नहीं है। वो ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखने के काम कर रहे हैं, योग बल से काम ले रहे हैं या बाहुबल चलाते हैं? मुरली में तो बोला है मांगने से मरना भला। फिर जो दुनिया भी चोर डकैते हैं, आज की दुनिया में भरे पड़े हैं, सरकार में भी समाज में भी, तो संपत्ति को चुरा के डकैती डाल के खा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस संपत्ति को रिश्वत में लगाए रहे हैं, माना बाहुबल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या योग बल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? वो सब कौरव संप्रदाय हैं। वो कौरव संप्रदाय राम राज्य नहीं स्थापन कर सकते, उनका बाप गांधी नहीं कर सका तो उनकी औलाद स्थापन कर सकेगी? करेगी? राम राज्य तो राम ही स्थापन करेगा, राम संप्रदाय ही स्थापन करेंगे। रावण संप्रदाय वो राज्य स्थापन नहीं कर सकते, उनको तो कौरवों का ही साथ देना है। तो कर्ण ने किसका साथ दिया है? कौरवों का साथ दिया। अभी प्रैक्टिकल में भी दे रहे हैं। और कभी नाग भी दिखाई देता है, इसका बेहद भी क्या है? नाग को मनीष शिव बाबा दिखाई देता है।
नाग दिखाई देता है, मणि ना वो शिव बाबा है, वो मणि दिखाई देती है, हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता है। शिवलिंग भी दिखाई देता है, मणि दिखाई देता है। अब ये अपने अपने साक्षात्कार की बात है, ये कुछ बुद्धि से भी दिखाई देता है क्या? बुद्धि चलती है तो ऐसा। अच्छा, बुद्धि चलती है, ये बुद्धि का साक्षात्कार है, ये नाग है, इस नाग में वो शिव बाबा रूपी मणि है, तो अच्छी बात है, है? झूठी बात है क्या? तो भी ऐसा आता है बाबा, हाँ बाबा मंदिर में बोलता है कि मैंने किसी आत्मा के द्वारा कार्य करता हूँ तो उसको छोड़ूंगा नहीं, है अभी छोड़ देता है, वो कभी भी छोड़ूंगा, बाबा ने मुरली में बोला है, हाँ। उसके द्वारा मैं वो कार्य करके रहूंगा, हाँ। तो ये ऐसा ये आपकी संकल्प है दिखा। अरे 63 जन्मों में निगेटिव रूप में ही साथ रहा है मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ, या पॉजिटिव रूप में भी साथ रहा है, है? कोई को पॉजिटिव रूप में ही साथ रहा है, कोई को निगेटिव रूप में ही साथ रहा है, कोई को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप में साथ रहा है। जैसा जैसा 63 जन्म में जिसका साथ रहा है वैसा वैसा संगम युग में उसको आंखों से बुद्धि से साक्षात्कार होता है। अब अपने जन्मों को काउंट करना शुरू करो, ओम शांति। सजा ऐसी होगी जो आत्मा ही आत्मा के अंदर महसूस करेगी। लंबे समय की सजा 1 सेकंड में आत्मा को महसूस होगी, बड़ी भारी यंत्रणा महसूस होगी। गर्भ में तो उतनी सजा नहीं होती है, जो त्राहि त्राहि करते हैं हमको बाहर निकालो, ये ज्ञान गर्भ का अंतिम समय है। हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, कर्म करते समय है? कर्म करते समय तो कर्म से डिटैचमेंट होकर रहना, कर्म करना है। याद में होंगे, 100% याद में होंगे, सच्ची याद में होंगे, तो जो कर्म करेंगे उस कर्म का स्मृति ही नहीं रहेगी बुद्धि में, नहीं तो अटैचमेंट पूर्वक कर्मेंद्रियों से जो भोग भोगा जाता है वो बार बार याद आता है कि नहीं? अरे रसगुल्ला बहुत मीठा था, फिर दोबारा मिले तो अच्छा है। अगर अटैचमेंट कर्म में नहीं रहेगा तो कर्म तो भूल हो जाएगा, मतलब कोई अकाउंट में बैठता है या कोई हिसाब कोई ऑफिस का काम करता है तो अगर उसमें अटैचमेंट नहीं लगेगा तो काम भूल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, योग वही है जो कर्मों में कुशलता सिखाता है, योग है कर्म सुकौशलम, वो कर्म नहीं है कि दूध गर्म करने बैठे और हम बाबा की याद में ऐसे थे कि दूध फैल गया, ये कर्मों में कुशलता नहीं है। काम इंद्रिय सबसे ज्यादा विकर्म करने वाली होती है। अब कोई कहे हम काम में इतनी ज्यादा याद में थे कि बच्चा पेट में गिर गया, ऐसा हो सकता है? मन जहां सहयोगी बनेगा तो कर्म इंद्रिय अपना काम करेगी, उसका रिजल्ट निकलेगा।
मन अगर सहयोगी नहीं बनेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सकता। आजकल की तो जो धंधा है उसमें अगर लुटाई मन नहीं हुए है, आजकल तो धंधा है धंधा तो धंधे सब है, आजकल तो काम धंधे है धंधे है हाँ। वो धंधे तो ऐसा ही है कि अगर लुटाई मन इतने से नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, मतलब नौकरी से भी निकल दिया जाएगा कि हो सकता है कुछ हो सकता है। तभी तो बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। फिर बताते हैं कि जो लौकिक में जिसका जिम्मेवारी है उसको धंधा करना पड़ता है, है? लौकिक में जिसका जिम्मेवारी है कुछ तो उसको धंधा करने के लिए बाबा ने बोला है। बाबा ने बोला है जिसका जिम्मेवारी है लौकिक में हाँ? तो जिम्मेवारी उठाने के लिए कुछ धंधा करना है, कुछ रोजगार करना हाँ। माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी कोई कमाई नहीं रही, घर में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो जो बच्चा ज्ञान में चलने वाला है उसको ये डायरेक्शन दिया जाएगा तुम माँ बाप को छोड़ करके ईश्वरीय सेवा में ही लग जाओ, जबकि बाबा कहते हैं जो ज्ञान में एडवांस में आए हैं उनका पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा, तो सारा ही परिवार बाप के बच्चे हो गए कि नहीं हो गए, तो उन बच्चों को छोड़ के आने के लिए बोला जाएगा? नहीं बोला जा सकता। उस बच्चे को कहा जाएगा बाप की माँ की जिम्मेवारी उठाओ, ये श्रीमत पर चलना हुआ, श्रीमत पर सरेंडर बच्चा कहा जाएगा कि मनमत पर चलने वाला कहा जाएगा? है ये मनमत पर चलने वाला बच्चा है, वो श्रीमत पर चलने वाला बच्चा है, श्रीमत पर उसने अपने को सरेंडर किया हुआ है, दिल बड़ी है कि हम ईश्वरीय सेवा में भी लगें और कोई दुनिया की सेवा न करें, कोई धंधा न करें, सब तंग करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की श्रीमत है कि माँ बाप की पालना करनी है, तो वो पालना करना ईश्वरीय धंधा है या दुनियावी धंधा है? है ईश्वर का धंधा है, ईश्वर का धंधा समझ करके करेंगे तो लिम्पायमान नहीं होंगे। बाबा है बाबा सर व्यसन नदिया है, है? तो का सब कनेक्टेड है, है? व्यसन नदिया है नदिया हाँ सागर का सर कनेक्टेड है, कनेक्टेड हमेशा नहीं है, कैनाल्स नदियों से निकलती है लेकिन कैनाल्स जो हैं वो सागर में गिरती नहीं है, और नदियां सागर से ही निकलती हैं। सागर से जब निकलती है सतो प्रधान स्टेज में पहले पहले, तो सतो प्रधान ऊंची स्टेज कही जाती है या नीची स्टेज है? है ऊंची स्टेज होती है, फिर जब मैदान में आती है कर्म क्षेत्र पर आती है बैटल फील्ड पर आती है तो उनको संग का रंग लगता है नीचे का कि नहीं, तो नीचे गिर जाती है, सागर से दूर हो जाती है, ऊंची स्टेज से नीचे आने के कारण दुनिया वालों का कचरा उनमें गिरता है। हाँ ये हो सकता है कोई नदी में कम कचरा गिरता हो, कोई में जास्ती कचरा गिरता हो, कोई नदी ऐसी पावरफुल है कि लंबे समय तक कचरा ढोती है और सारा कचरा सागर में ले जाके डालती है, अपने किनारे पर भी छोड़ देती है लेकिन खुद धारण नहीं करती है, जैसे गंगा नदी, लेकिन संग का रंग तो लगता ही है, वो गंगा नदी का पानी भी कलयुग के अंत में जाकर मैला हो जाता है, तो नदियां लास्ट में जाके सागर से मिलती है,
कि बीच में मिल जाती है, लास्ट में मिलती है। इसलिए बोला है कि ज्ञान गंगाएं निकलेंगी बाद में, सरस्वती नदी बीच में आती है, बीच में चली जाती है। बेसिक में भी ऐसे ही हुआ तो एडवांस में भी ऐसे ही होता है, हुआ। और गंगा नदी एडवांस में भी आदि में निकली, फिर लोप हो गई, क्योंकि वहां सन्यासियों का जमघट लगता है। गंगा के किनारे कौन जाकर बैठते हैं? सन्यासी। वो सन्यासियों की पालना करने वाली नदी है, सन्यासियों को जन्म देने वाली है। इसलिए गंगा नदी बहुत पावरफुल भी है, जिसके लिए मुरली में बोला सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासी बाद में निकलेंगे या पहले निकलेंगे? बाद में निकलेंगे। बाकी ऐसे नहीं है कि सभी नदियां सागर से कनेक्टेड होकर रहती हैं, नहीं। जब मैदान में आती हैं तो सागर से दूर हो जाती हैं, लास्ट में जाकर सागर में गिरती हैं। और है कितने सारे बाबा बर्फ में दबे रहेंगे और कितने आत्मा बाबा के याद में रहेंगे बर्फ नहीं दबा रहे। हेलो, सब्जियां हो, कोई भी वेजिटेबल हो, वो फ्रीज में क्यों रखा जाता है? है? हाँ, सुरक्षित बना रहे। ऐसे ही बाप अपने बच्चों को फ्रीज में रखता है, क्योंकि योग बल वाले बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं। उनकी जो 11वीं इंद्रिय है वो बाप में लग गई। जो मुख्य इंद्रिय बाप में लगी हुई है तो सारी इंद्रियों की सुरक्षा करनी पड़े। इसलिए 4.5 लाख बच्चे निकलते हैं जो फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ में दबे रहेंगे। कोई तो 150 वर्ष तक, 150 वर्ष तक दबे रहेंगे। जब 150 वर्ष पूरा होगा तो बर्फ से बाहर आएंगे और पहले जन्म में बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। उनके भी 84 जन्म होंगे। इतने दिन क्यों रहेंगे? क्यों? क्या सतयुग के आदि में जब पहला बच्चा जन्म लेता है उसी समय पहले जन्म में आने वाली आत्माएं एकदम आ जाएंगी कि 150 वर्ष में धीरे धीरे आती रहेंगी? तो धीरे धीरे आती रहेंगी तो कहां से आएंगी? परमधाम से ही तो आएंगी। परमधाम से आएंगी और अपने शरीर में प्रवेश करेंगी। उसी आत्मा उस शरीर में प्रवेश करेगा? बिल्कुल। इब्राहिम आता है तो उसका जो आधार है उसी में प्रवेश करता है कि कोई दूसरे में प्रवेश कर जाता है? जो बर्फ में पड़े हुए थे जो शरीर, वो शरीर में वही आत्मा प्रवेश करेगा? बिल्कुल। तो वो शरीर तो उस समय मतलब शरीर छोड़ने के समय बड़ा था, बड़ा कोई बड़ा वाला शरीर होगा क्या? मतलब अभी हमारा जितना बड़ा शरीर है हम इसी शरीर से बर्फ में दब गए और आत्मा आके हमारा आत्मा आके वही शरीर पर प्रवेश किया, तो उस समय ये शरीर ऐसे ही रूप में आएगा या छोटा रूप में आएगा? योग बल है तो योग बल में
जो हार्मोन्स हैं शरीर के वो चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? है? हार्मोन्स चेंज होते हैं तो स्त्री से पुरुष बन जाते हैं और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है इसी दुनिया में, हो रहा है। तो जब दुनिया पलटेगी तो शरीर परिवर्तन नहीं होंगे, पांच तत्व परिवर्तन नहीं होंगे। योग में रहने वालों के संसर्ग संपर्क में जो शरीर के पांच तत्व होंगे वो पहले परिवर्तन होंगे कि बाहर की दुनिया के पृथ्वी जलवायु आकाश पहले परिवर्तन होंगे? है? अरे बोलो तो भाई। हाँ, आत्मा के संसर्ग संपर्क में जो रहने वाले शरीर के पांच तत्व हैं वो ही पहले परिवर्तन होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बाबा, क्या मैं ब्रह्म को अपना दे और शंकर को क्यों मगा? क्योंकि बी के वाले ब्रह्मा कुमार है ना, उनसे पूछा जाए तुम किसके कुमार हो, किसके बच्चे हो, तो किसका नाम लेंगे? ब्रह्मा का नाम ले, ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। उनसे बार बार पूछो तुम किसके बच्चे हो, तो कहेंगे अम्मा के बच्चे हैं। अब दुनिया में कोई बच्चा बार बार यही कहे हम अम्मा के बच्चे हैं, उसको कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए तो अम्मा का ही नाम बताएगा, बाप का नाम नहीं बताएगा। तो दुनिया में बुरा माना जाता है या अच्छा माना जाता है वो बच्चा? है? क्यों क्यों बुरा माना जाता है? क्योंकि जानते हैं पता नहीं ये रंडी पुत्र है, इसके बाप का इसको मालूम ही नहीं है, इसलिए बुरा माना जाता है। तो ऐसे ही वो तो त्रिमूर्ति में शंकर को दिखाते हैं। दिखाना बात अलग है और दिल से मानना बात अलग हो जाती है। ऐसे नहीं कि कोई चीज जो बाहर से दिखाता है, जैसे क्रिश्चियंस हैं बाहर से दिखाते हैं हम बड़े सभ्य हैं दुनिया में, और अंदर से उनकी मेंटेलिटी ऐसी है जो एटम बम बनाए रखे दुनिया के विनाश के लिए। तो सबसे बड़े सभ्य हैं या असभ्य हैं? तो दिखाना बात अलग होती है और असलियत बात अलग हो जाती है। सब्जियों में जगदम्बा का पाठ क्या होगा, जैसे कि बोलते प्रकृति दासी है? सतयुग में नर से नारायण बनने वाले का पाठ क्या होगा? अरे जिसने एक बार ऊंचा पद पा लिया वो फिर लगातार उसी युग में ऊंचा ही पद पाता रहेगा या नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो संगम युग में राज करेगा खालसा, जिसने राज कर लिया वो फिर सतयुग के अगले जन्मों में राजा बनेगा कि नीचे गिरते जाएगा? नीचे गिरेगा। अरे नारायण ही जब नीचे गिरता जाता है सतयुग में तो जगदम्बा नीचे नहीं गिरेगी, जगदम्बा का तो पाठ संगम युग में ही इतना ऊंचा हो जाता है जो दीदी दादी दादाओं का भी नहीं हुआ है। दीदी दादी दादाओं को भी थोड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने माना है, एडवांस वालों ने तो माना ही नहीं। वो एडवांस में जो हैं, वो ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत ऊंचा पद पाने वाली हैं। भगवान आया हुआ है उनको ऊंचा उठाने के लिए। उनका जितना संगम युग में मर्तबा बनता है कन्याओं माताओं का
और अंत में जितना ऊंचा मर्तबा बनेगा वो मर्तबा तो कोई भी जन्म में कन्या माताओं का बनता ही नहीं। प्रकृति दासी बन जाती है, प्रकृति जगदम्बा का भी कार्ड है, जगदम्बा का कार्ड भी प्रकृति से उसका कनेक्शन होता है। जगदम्बा तो स्वयं ही प्रकृति है, प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। यज्ञ के आदि में प्रकृष्ट रचना कौन है? पहली जगदम्बा है। और चेंगीज का, तैमूर लाल किस किस का पार्ट? मुरली में अव्यक्त वाणी में बाबा ने खास बोला है कि मैं बोर्ड पर या कागज पर लिखकर एक एक के पार्ट नहीं बताऊंगा। माता पूछ रही है मेरे लल्ला का पार्ट क्या होगा, मुझे बहुत याद आती है उसकी। बाबा जब ब्रह्मा बाबा कराची छोड़कर चला गए जगह को, जगह में जब बाबा विघ्न आए तो ब्रह्मा बाबा कराची छोड़कर चला गए, तब सेवकराम बाबा तो जगह में सामान लेके था, तो सेवकराम उस टाइम तुमका मौजूद थे वहाँ? बोलते चले जा रहे। मुरली में तो बोला है, त्रिमूर्ति में दिखाते हैं तीन मूर्तियां, बाप को उड़ाई दिया है, लाश भी गुम कर दिया। तुम कहते हो ब्रह्मा जब कराची से चला आया तो प्रजापिता का क्या हुआ? और प्रूफ निकलेगा ना है? निकलेगा। हाँ, ये कौन कहता है कि दुनिया में प्रूफ निकलेंगे नहीं? सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी, कोई कितना भी छुपाना चाहे सच छिपता नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां कितने भी छिपाने की कोशिश करें, करोड़ों रुपया सामने रख दें, वो करोड़ रुपए भी सच्चाई को नहीं छुपा सकेंगे। और ब्रह्मा जो प्रवेशता है वो प्रजापति का प्रवेश होता है, जगदम्बा का प्रवेश होता है, कौन सा अंत मध्यस्थ है? ब्रह्मा की प्रवेशता प्रजापिता में होता है और जगदम्बा में होता है, कौन सा अंत मत सोगते का आधार से? कौन सी अंत मत सोगते का आधार से? अंत मते के सोगते के आधार से माने माने क्या प्रूफ है इसका? प्रूफ मतलब क्यों प्रवेश होता है? जैसे गुलजार दादी में प्रवेशता होता है लगाव के कारण। गुलजार दादी में किसकी प्रवेशता होती है? वो तो सूक्ष्म शरीर से होती है। तो इधर की प्रवेशता किस है? इधर जो प्रवेशता होता है हाँ, कौन सा हिस्सा किताब के आधार? बीज रूप स्टेज है, बीज के संग में आने से जो आधार मूर्त आत्मा है वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ लेती है। तो कोई अंत मत सोगते का फाउंडेशन होता होगा ना? अंत मत सोगते माने शरीर छोड़ने का टाइम उनका स्मृति ऐसा कुछ होगा जिस आधार से जाकर के प्रवेशता होगी? नहीं, मुरली में तो ये बोला हुआ है कि बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, मैं सब बच्चों में प्रवेश नहीं होता हूं। बाप माने राम वाली आत्मा भी प्रवेश कर सकती है और दादा माने कृष्ण वाली आत्मा भी तुम बच्चों में प्रवेश कर सकती है, करती है, सर्विस करती है, पार्ट बजाती है। अरे जगदम्बा से पढ़ाई नहीं पढ़ी थी ब्रह्मा ने? फिर और जो पहले जो हाँ जी हाँ जी बाबा जो पहला जन्म होगा हाँ ब्रह्मा वाली आत्मा 21 जन्म लेने वाली है या नहीं है? ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो भी साथी हैं
सतयुग में पहले जन्म में जन्म लेने वाले वो 21 जन्म की प्राप्ति करने वाले हैं या कम जन्म की प्राप्ति करते हैं? 21 जन्म तो सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, एक जन्म कहां गया? तो एक जन्म उनका त्रेता युग में बढ़ जाता है, इसलिए 13 जन्म है त्रेता में, इसलिए त्रेता युग कहा जाता है। उसका राज यही है कि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान बाप नल और नील दो में प्रवेश करके जो पत्थर बुद्धियों को पकड़ते हैं वो पत्थर बुद्धि बड़े हल्के बन जाते हैं, वो पत्थर बुद्धि भी ज्ञान सागर में तैरने लग पड़ते हैं। यही राज है। नल माने ज्ञान जल देने वाला और नील, नीला रंग किसका होता है? विष का होता है या ज्ञान जल का होता है? विषैला होता है। तो दो थे, वो दोनों भी पंदर बुद्धि थे। उनमें शिव बाप आते हैं, उनके बुद्धि रूपी हाथ से जो भी पत्थरों का स्पर्श होता है वो बहुत हल्के पत्थर बन जाते हैं, इतने हल्के बन जाते हैं कि पानी के ऊपर तैरते हैं। भारी दिमाग नहीं रहता जो डूब जाए, अनिश्चय बुद्धि हो जाए। ओम शांति।